इस प्रोग्राम में हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स के आधार पर रीएनैक्टमेंट्स और एनिमेशन शामिल है। जुलाई 21, 1969 के दिन नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन के साथ ईगल चांद से उड़ा माइकल कॉलिंस से मिलने के लिए, जो पृथ्वी का चक्कर लगाती शिप में थे। इन दो आदमियों ने अभी अभी चांद पर कदम रखे थे। अमेरिका की ये जीत इस पल तक पहुंचने के लिए हुई तमाम घटनाओं को अब भुला सकती थी। सबसे तनावपूर्ण समय चांद पर उतरने के आधे रास्ते में आया था। वो खराब था, बेहद खराब। मैं परेशान था कि हमें ऐसा सरप्राइज मिलेगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। बहुत जल्द लोग अपोलो को भूल जाने वाले थे, जो स्पेस के इतिहास में सबसे महंगा प्रोग्राम था। सिर्फ अपोलो 13 की ड्रामेटिक फ्लाइट ही दुनिया का ध्यान खींच पाएगी। जब वो जिंदगी और मौत का मामला बन गया, तब लोगों ने उस समय बहुत ज्यादा अटेंशन दिखाई। लोग पूछते हैं, क्या आप इस हालात में जहर की गोली वगैरह लेते? ये ठीक होने वाली समस्या नहीं थी। 50 से ज्यादा सालों के बाद हमने सोचा कि अपोलो के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन इस नासा प्रोग्राम के राज अभी भी खुलने बाकी हैं। नील ने मुझ पर भरोसा किया था और मैं उस भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। चांद पर जो होता है वो वहीं रहता है। अपोलो प्रोग्राम अचानक क्यों बंद हो गया? इस ऐतिहासिक एडवेंचर के वो कौन से राज हैं जिसने चार प्रेसिडेंट्स को आते जाते देखा, 3 एस्ट्रोनॉट्स की मौत का कारण बना और तमाम मुसीबतों का हिस्सा भी? ये शानदार कहानी एक फिल्म नहीं बल्कि एक शर्त थी जो एक प्रेसिडेंट ने 4,00,000 लोगों से लगाई थी, वो भी सिर्फ एक मकसद के लिए, अमेरिका को चांद पर ले जाने का मकसद। चांद पर 21 से ज्यादा घंटे बिताने के बाद वहां से निकलने से पहले नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन ने लूनो मॉड्यूल के अभी तक खुले हुए दरवाजे से कुछ बाहर फेंका था। उसके अंदर वाइट, ग्रिसम और चैफी के नामों का एक पैच था। वो 3 एस्ट्रोनॉट्स जो अपोलो 1 मिशन में मारे गए थे, लेकिन उस पैकेज में सिंबॉलिक चीजें भी थी, पर्सनल चीजें जिन्हें नासा ने लाने की छूट दी थी। हमें इस पीपीके के लाने की इजाजत दी गई थी, मतलब पर्सनल प्रेफरेंस किट। इसे छोटा होना था, हल्के वजन का, वो वैक्यूम पैक्ड था। मैंने क्या किया था और ज्यादातर लोगों ने यही किया था, हमने परिवार वालों दोस्तों से बात की थी कि हम उनके लिए क्या ले जा सकते हैं। लेकिन नील आर्मस्ट्रांग की इस किट के बारे में किसी भी मिशन रिपोर्ट में नहीं था। शायद उसमें मौजूद थी उनकी बेटी कैरन की चीजें, जो 2.5 साल की उम्र में ही चल बसी थी। नील की बेटी नहीं रही थी और वो उसे मफी बुलाता था। खैर, वो चांद पर एक क्रेटर तक चलकर गया। उसने उसे बेबी क्रेटर करार देते हुए उसका नाम मफीज क्रेटर रख दिया। उसने मफी का कोई सामान भी चांद पर छोड़ा था। मुझे पता है वो क्या है, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि नील ने मुझ पर भरोसा किया था और मैं वो भरोसा नहीं तोड़ूंगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग ने अपनी बेटी मफी के लिए चांद पर क्या छोड़ा था। जब 25 अगस्त 2012 को 82 साल की उम्र में वो मरे, तो उनके साथ वो और कई और राज भी दफन हो गए। सही हो या गलत, ये राज उनकी कहानी को बढ़ाते रहते हैं, जो लगभग 45 साल पहले जुलाई में शुरू हुई थी। July 16, 1969 सुबह के 9:32 फ्लोरिडा में केप कैनरी के ऑफिशियल स्टैंड्स के आसपास भारी भीड़ इकट्ठा थी। कुछ ने तो वहीं कैंप लगा लिया था ताकि इस इवेंट को मिस ना कर दे।
वहां केप के आसपास 10 लाख से ज्यादा लोग थे, उससे ज्यादा और आ नहीं सकते थे। सड़कें वगैरह सब जाम हो गई थी। 55 देशों से 3,500 जर्नलिस्ट इस इवेंट को देखने यहां आए थे। सैटर्न 5 रॉकेट का लिफ्ट ऑफ देखने, जो 3 आदमियों को चांद पर ले जा रहा था। रॉकेट की नोक पर 300 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर 540 टन टीएनटी के बराबर फ्यूल पर बैठे 3 एस्ट्रोनॉट्स काउंटडाउन के इंतजार में थे। वो क्रू सबसे ऊपर एक छोटे से केबिन में था। दूसरे शब्दों में लिफ्ट ऑफ किए जा रहे में से सिर्फ 1% ही चांद तक जाने और आने के मिशन में इस्तेमाल हुआ था। अगर एटॉमिक बॉम्ब की बात छोड़ दें, तो लिफ्ट होने के पल में सैटर्न वी रॉकेट ने इंसान द्वारा बनाई किसी भी चीज से सबसे ज्यादा आवाज की थी। 1967 में अपोलो 4 लॉन्च के समय वाइब्रेशंस इतने तेज थे कि लगभग 5 किलोमीटर दूर प्रेस एरिया के सीलिंग टाइल्स गिर गए थे और खिड़कियां हिलने लगी थीं। लोग उस शानदार रॉकेट को नीले आसमान में गायब होते देख रहे थे, लेकिन कोई सैटर्न वी 5 के डिजाइनर्स के सामने की चुनौतियों के बारे में नहीं सोच रहा था, क्योंकि 1960 की शुरुआत में जब केनेडी ने अमेरिका को चांद पर भेजने की बात कही थी, तो किसी ने सोचा तक नहीं था कि ऐसी मशीन बन पाएगी। 1961 में ना अमेरिका ना ही सोवियत यूनियन के पास इतने ताकतवर रॉकेट्स थे कि एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजकर उन्हें वापस धरती पर लाया जा सके। ना कभी ऐसा रॉकेट बना था और ना ही लोगों को यकीन था कि ऐसा हो सकता है। इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए अमेरिका कुछ भी करने को तैयार था, जिसमें ऐसे इंसान की मदद लेना शामिल था जो बेशक ऐसा डिवाइस डिजाइन करने वाला अकेला इंसान था और बाद में जो नासा मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर का डायरेक्टर बना दिया जाने वाला था। ये थे वर्नर वॉन ब्रॉन, एक ब्रिलियंट जर्मन इंजीनियर और साथ ही एडॉल्फ हिटलर के सपोर्टर भी। वर्नर वॉन ब्रॉन एक पेचीदा ऐतिहासिक व्यक्ति थे। वो एक नाजी थे और उनके साथ जो लोग आए थे वो सब नाजी समर्थक थे। उन्हें रॉकेट्स बनाने की जानकारी थी। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में V2 बनाई थी, जो पहली बैलिस्टिक मिसाइल थी। वॉर्नर वॉन ब्रॉन ने अपना हुनर नासा के हवाले कर दिया, जैसा उन्होंने कई साल पहले नाजी रिजीम के लिए किया था। उनके बिना अमेरिका इतिहास का सबसे ताकतवर रॉकेट बनाने और सोवियत्स को हराने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकता था। इसका रिजल्ट कमाल का निकला। सैटर्न 5 एक कमांड और सर्विस मॉड्यूल के साथ 363 फुट ऊंचा और 33 फुट चौड़ा था। सैटर्न 5 एक बहुत बड़ा रॉकेट था। अपोलो मून लैंडिंग्स के बाद से कोई भी लॉन्च व्हीकल सैटर्न 5 की पावर और कैपेबिलिटी के करीब नहीं पहुंचा। जब रॉकेट का आखिरी स्टेज टेरेस्ट्रियल ऑर्बिट से निकलकर चांद की तरफ बढ़ा, क्रू को एक बहुत नाजुक काम करना पड़ा। कमांड और सर्विस मॉड्यूल स्पेस में 180 डिग्री रोटेशन करके वापस लूनर मॉड्यूल ईगल से जुड़ा, ताकि उसकी दिशा मून की ओर हो सके। बाकी रॉकेट के पार्ट को फिर से स्पेस में छोड़ दिया गया। फिर अपोलो 11 के सबसे अहम कदम शुरू हुए। वो ऐसे प्रिंसिपल्स पर आधारित थे जिसे कभी असल हालातों में जांचा ही नहीं गया था। लूनर ऑर्बिट में दाखिल होना। 1959 तक केनेडी की भविष्यवाणी से भी पहले नासा ने चांद पर इंसान को भेजने के कुछ सबसे अच्छे तरीकों की स्टडी की थी, लेकिन कोई तरीका चुना नहीं गया था। जब चांद पर जाने की बात होती थी तो लोग 3 ऑप्शंस की बातें करते थे जिनके जरिए चांद पर जाया जा सकता था। शुरुआत में इंजीनियर्स ने एक रॉकेट भेजने की बात सोची जो बाद में फिर से चांद से टेक ऑफ करता, या एक तरह का स्पेस स्टेशन बनाने की बात जो एक रेयर बेस का काम करता। तीसरा ऑप्शन कुछ खास नहीं था। उसमें एक शक्तिशाली रॉकेट से 3 मॉड्यूल्स के कॉम्बिनेशन को भेजने की बात कही गई थी। सिर्फ एक मॉड्यूल यानी लूनर मॉड्यूल चांद तक जाएगा और कमांड और सर्विस मॉड्यूल या CSM लूनर ऑर्बिट में इंतजार करेंगे। लेकिन बहुत कम लोगों को यकीन था कि यह पॉसिबल है, और इस ऐतिहासिक पल में एक शख्स खास तौर पर चिंतित था। उनका नाम था जॉन ह्यूबॉल्ट।
चांद पर इंसानों को भेजने की टेक्निक में सिर्फ एक रॉकेट से तीन मॉड्यूल्स को मंजिल तक पहुंचाने का ये ऑप्शन सबकी पसंद नहीं था, लेकिन एक आदमी के डिटर्मिनेशन ने इस विजन में जान डाल दी। जॉन होबोल्ट, जो इन संभावनाओं के बारे में सोच रहे तमाम इंजीनियर्स में से एक थे, उन्होंने इसे आगे नासा लीडरशिप और वॉशिंगटन डीसी तक ले जाना तय किया, जो उन्होंने 1961 में पूरा करके दिखा दिया। लूना ऑर्बिट रॉन्डेवू कहीं ज्यादा पेचीदा था चलते पुर्जों के मुकाबले, लेकिन वो ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी थी जो स्मार्ट सोच और स्मार्ट ट्रेजेक्टरी तकनीकों से हल हो सकती थी। नासा लीडरशिप ने आखिरकार ये बात मान ली। 1962 में लूनो ऑर्बिट रॉन्डेवू को चांद तक जाने और वापस आने के तरीके के रूप में चुन लिया गया। बीस जुलाई को लैंडिंग की तैयारी करने के लिए चांद के 13 चक्कर काटने के बाद ईगल, जिसके अंदर नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन थे, कमांड मॉड्यूल जिसे माइकल कॉलिंस चला रहे थे, उससे अलग होने के लिए तैयार था। इतिहास में पहली बार दो एस्ट्रोनॉट्स चांद पर कदम रखने जा रहे थे। ह्यूस्टन में कंट्रोल रूम के अंदर इंजीनियर्स दिल थाम कर बैठे थे। एक बार जब लूनर मॉड्यूल कमांड मॉड्यूल से अलग हो गया, आप वहां एनर्जी देख सकते थे, वो चांद की सतह तक जाने के लिए तैयार थे। जब लूनर मॉड्यूल ने चांद पर उतरना शुरू किया, आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन को फिर से अपने शरीर पर ग्रेविटी महसूस हुई। तब उन्हें पता चल गया कि चांद उन्हें अपनी तरफ खींचने लायक करीब है। नील आर्मस्ट्रांग ने लैंडिंग साइट देख ली, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन चांद की सतह से 6000 फुट ऊपर ईगल के कंप्यूटर की बत्तियां जल उठी, अलार्म बजने लगे और स्क्रीन पर एरर्स 1202 और 1201 दिखाई देने लगे। सबसे तनावपूर्ण पल चांद की सतह पर उतरने के आधे रास्ते पर आया जब वहां तमाम प्रोग्राम अलार्म बजने लगे, जहां कंप्यूटर ने संकेत दिया कि वो सारे काम करने के लिए बहुत व्यस्त है और सिर्फ वही काम करेगा जो उसे बताए गए हैं, गाइडेंस, नेविगेशन और चीजों का नियंत्रण। उन्हें कुछ ही दिन पहले सिमुलेशन में पता चला था कि उतरने के समय अगर उन्होंने दोनों सिस्टम चलाने की कोशिश की तो कंप्यूटर ओवरलोड हो जाएगा और 12:01 का अलार्म बजने लगेगा। अलार्म को देखने में उलझे आर्मस्ट्रांग ने ध्यान ही नहीं दिया कि कंप्यूटर उन्हें सीधा एक क्रेटर की पथरीली ढलान की तरफ ले जा रहा है। ईगल चांद की सतह से टकराने वाला था, लेकिन फिर कॉकपिट में कुछ कमाल हुआ। शांति से काम लेते हुए नील आर्मस्ट्रांग ने मैनुअल मोड शुरू किया और इस मिशन पर अपना पूरा जोर लगा दिया। हमें किसी भी तरह की समस्या को हल करने के लिए ट्रेन किया जाता है और नील आर्मस्ट्रांग की यही मानसिकता थी। फ्यूल खत्म होता जा रहा था, इन्हें फौरन उतरने की जगह खोजनी थी, सिर्फ 60 सेकंड बाकी बचे थे। जब उन्होंने लैंड किया तब उनका सिर्फ 3% फ्यूल बचा था। अगर वो कुछ सेकंड और चलते रहते तो उन्हें रद्द करने पर मजबूर होना पड़ता। आपके कार में फ्यूल कम होने पर आपको पता होता है कि मैं अभी और 15-16 किलोमीटर तक जा सकता हूं, बस मुझे पास में कोई पेट्रोल पंप मिल जाए। लूना मॉड्यूल में जब आप जीरो पर पहुंचते हैं आपका इंजन बंद हो जाता है। लूनर मॉड्यूल के लगभग खत्म होते फ्यूल के साथ आर्मस्ट्रांग सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में उतरने में सफल हो गए। 20 जुलाई 1969 संडे को ह्यूस्टन में शाम के 3:17:39 हुए थे। आर्मस्ट्रांग ने मॉड्यूल को इतना धीरे से उतारा कि बज ऑल्ड्रिन को कंट्रोल डिस्प्ले की तरफ देखना पड़ा। समय रुक गया था और फिर नील आर्मस्ट्रांग ने उन शब्दों से सन्नाटा तोड़ा जो हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे। ह्यूस्टन, ये ट्रैंक्विलिटी बेस है, ईगल उतर चुका है। कैपकॉम चार्ली ड्यूक को जवाब देने के लिए ह्यूस्टन कंट्रोल रूम के शोर और तालियों के ऊपर चिल्लाना पड़ रहा था।
तनाव में नील आर्मस्ट्रांग के शांत रहे बिना अपोलो 11 का अंत कुछ और ही होता। और उनके इस सरप्राइजिंग व्यक्तित्व के पीछे नासा को पता था कि इस नम्र आदमी के अंदर हीरो बनने लायक काबिलियत थी। अफसोस की बात यह थी कि जब नील आर्मस्ट्रांग से पूछा गया कि चांद कैसा था तो उन्होंने सीधा सा जवाब दिया, मैं तो अपना काम कर रहा था। वो आत्मनिर्भर थे और लोगों के लिए उनके पास जाना जरा मुश्किल था। कई एस्ट्रोनॉट्स की तरह उनकी पहली शादी सफल नहीं थी और इसी वजह से शायद उनके करीब जा पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। क्रू के अलावा मिशन की सफलता के लिए एक और इम्पोर्टेंट की एलिमेंट भी था, लूनर मॉड्यूल या लैब। ये कमाल की मशीन थी जिसे बनाना वाकई बहुत मुश्किल था। ल्यून मॉड्यूल को डिजाइन करने में नासा को पता था कि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए उन्होंने ग्रमन कंपनी से बात की जो कमर्शियल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक थी। बावजूद इसके लैम अपने इंजीनियर्स को रात में जगाए रखती थी। इसे परफेक्ट, इनफेलेबल और हल्का होना था। शुरुआत में रोमन डिजाइनर्स ने पायलटों के लिए सीटों के साथ बड़ी कांच की खिड़कियों वाला एक गोलाकार केबिन डिजाइन किया था। कांच की खिड़कियां अगर आप चाहते हैं कि वो एयर टाइट हो तो वो बहुत भारी होती हैं, इसीलिए उन्होंने कांच की खिड़कियां हटाना शुरू कर दिया। जाहिर है उन्होंने पायलटों की सीटें भी हटा दी। जब 1962 में ग्रमन ने नासा का एक बिडिंग प्रोसेस जीता, उस समय 35 करोड़ का बजट इसे सिर्फ अंतरिक्ष के वैक्यूम में उड़ पाने वाले एक आरामदायक मॉड्यूल के रूप में विकसित करने के लिहाज से बनाना था। कमान मॉड्यूल से बिल्कुल उलट, लूना मॉड्यूल की स्किन केवल एल्यूमिनियम फॉइल की 3 परतों जितनी मोटी थी। अगर एस्ट्रोनॉट सावधान न रहे तो अपने जूतों से दीवारों को तोड़ सकते थे। चांद पर होने के वक्त वो इसके अंदर हैमक्स में सो सकते थे। रहने के लिहाज से ये रेड्स होटल जैसा तो नहीं था, पर इसमें काफी जगह थी। 1964 के अंत तक लूना मॉड्यूल की योजनाएं आखिरकार तैयार हो गईं और ग्रमन ने कई प्रोटोटाइप का निर्माण किया। फिर अंतिम मॉड्यूल का पहला वर्जन नासा को दिया गया। अगर एजेंसी एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं करती तो अपोलो 11 कभी भी चांद तक नहीं पहुंच पाता। प्रपोज्ड मॉडल घटिया और जल्दबाजी में बना था और उसके ट्रायल्स विनाशकारी थे। जब लूनर मॉड्यूल को नासा पहुंचाया गया तो इसमें बहुत खामियां थीं, खास तौर से पानी के पाइपों और फ्यूल को आगे बढ़ाने वाली पाइपिंग में कई लीकेज थे। ये एक छलनी की तरह था। अपोलो 11 से सबसे पहले के अभियानों ने लूनर मॉड्यूल को अंतिम रूप देने का समय दिया। इसकी लागत नासा के सभी अनुमानों से अधिक थी, उस समय के $25 करोड़ और आज के $25 करोड़। फिर भी एक जरूरी एलिमेंट का असल कंडीशन में कभी परीक्षण नहीं हो सका, वो असेंट इंजन जिसका इस्तेमाल अपर स्टेज के मून को छोड़ने में होना था। अगर ये शुरू हो गया तो मिशन सफल होगा, लेकिन असफलता के मामले में कोई दूसरा मौका नहीं था। आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन चांद से अपनी विदाई के बारे में नहीं सोचने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वक्त उनके आसपास बिल्कुल खामोशी है। वो एक उजाड़ खाली बंजर आकाशीय पिंड पर है। लेकिन सबसे पहले कौन इस अनछुई मिट्टी पर पैर रखेगा? पर असल में नासा के फैसले ने एक विवाद को जन्म दे दिया और वो निराशाएं जिन्हें कभी स्वीकार नहीं किया गया। बज ऑल्ड्रिन का लंबे समय से मानना था कि वो चांद पर चलने वाले पहले व्यक्ति होंगे। मुझे लगता है कि इस घटना को उस समय के एस्ट्रोनॉट्स के हेड डेके स्लेटन ने खराब तरह से संभाला था। उन्होंने इस बात को छुपा कर रखा था, वो भी तब जब हर कोई इसे जानना चाहता था। फिर भी लॉजिकली ये डिसीजन क्लियर था। लैम पायलट के रूप में आर्मस्ट्रांग दरवाजे के पास थे और आसानी से पहले बाहर निकल सकते थे। ये बात सही है कि बज ऑल्ड्रिन को चांद पर पहला आदमी होना बहुत ही अच्छा लगता, लेकिन वो मिशन कमांडर नहीं थे और उनके पास इसका फैसला करने की कोई पावर नहीं थी। ह्यूस्टन के 9:56 जहाज के हैचवे से गुजरने की कोशिश के लंबे समय बाद नील आर्मस्ट्रांग ने उनके और चंद्रमा की सतह के बीच सीढ़ी पर पैर रखा।
पूरी दुनिया की सांसें थम गईं। वो पल आधुनिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पल बनने वाला था। ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन पर लैम कैमरे द्वारा ट्रांसमिट की गई तस्वीरें बिल्कुल साफ नहीं थी, लेकिन ये पूरी दुनिया को एकजुट करने के लिए काफी था। ओरिजिनल तस्वीरों में वास्तव में ये बताना मुश्किल है कि क्या चल रहा है। अगर आप उस तस्वीर में नील के पैर को नीचे आते हुए देखते तो आप मुझसे बेहतर इंसान हैं। आर्मस्ट्रांग ने खुद को जमीन तक गिरने दिया और वो शब्द कहे जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। आदमी का एक छोटा सा कदम इंसान के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। क्या ये शब्द पहले सोचे गए या फिर तभी सोचे गए? 2012 में अपनी मृत्यु तक आर्मस्ट्रांग ने एक ही बात कही। ये शब्द उनके दिमाग में तब आए जब वो चांद पर उतरे, ना कि उससे पहले। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद कुछ लोगों ने यह सुझाव दिया कि उन्होंने अपने शब्द पहले तैयार किए थे। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमने रूसियों को हरा दिया। मैं ये नहीं कहना चाहता कि अमेरिका ने कर दिखाया। ये तो मानव जाति ने किया। उनके भाई ने कहा, मां को मत बताना, उन्हें सरप्राइज होने देना। उस पहले कदम से उन सभी शब्दों और सभी कामों का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की तस्वीरें खींचना शुरू किया। 19 मिनट के बाद बज ऑल्ड्रिन आखिरकार अंतरिक्ष यान से बाहर आए। बस नीचे जाने के लिए लैंडर पर पोर्च से बाहर निकले और उन्होंने नील से कहा, मैं दरवाजा बंद करने जा रहा हूं। और नील ने कहा, ठीक है, इसे लॉक मत करना। अगर उन्होंने खुद को बाहर से बंद कर लिया होता तो बड़ी समस्या हो जाती। चांद पर उतरने से पहले बज ने सीढ़ी के साथ कुछ परीक्षण किए और फिर जमीन पर कूद गए। दोनों एस्ट्रोनॉट को एक चेकलिस्ट को फॉलो करना था जो उनके सूट की आस्तीन में सिली हुई थी। एक्स्ट्रा वियाक्यूलर गतिविधि या ईवीए पूरी तरह से ठीक ठाक निपट गई। हालांकि जमीन पर टेंशन बनी हुई थी, इनकी जिंदगियां सिर्फ एक एलिमेंट पर टिकी थी, उनके स्पेस सूट्स। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ एक एयरटाइट लिफाफे की तरह है, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा है। इसके अंदर प्रेशर, टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने वाला एक सिस्टम है। देखा जाए तो ये अपने आप में एक स्पेस क्राफ्ट है। एक बेहतरीन तकनीकी सफलता। अपोलो सूट को डेवलप करने में 5 साल लग गए। हर एक मॉडल की कीमत $1,00,000 से अधिक थी, लेकिन मैन्युफैक्चरर के ऊपर कोई लगाम नहीं थी। हमें लगभग खुली छूट मिली थी और उन सूटों को डेवलप करने में उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया। 25 परतों से बने इस सूट को एस्ट्रोनॉट्स को मीटियोराइट्स और अधिक तापमान परिवर्तन से बचाना था। लेकिन अपोलो 11 से पहले इस सूट का वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण ही नहीं किया गया। मैं परेशान था कि हमें ऐसा सरप्राइज मिलेगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और कोई सरप्राइज नहीं, सब कुछ वैसा ही था जैसा हमने सोचा था। अपोलो 11 मिशन में कई सिंबॉलिक कदम शामिल थे। उनमें से एक था अमेरिकन फ्लैग की पोजीशन। किंवदंतियों के विपरीत, नासा ने इस तरह के प्रतीक को भेजने का फैसला करने से पहले लंबे समय तक सोचा था। असल में सितारों और पट्टियों को केवल टेक ऑफ से कुछ ही समय पहले लैंप पर रखा गया था। वातावरण के ना होने पर भी ये उड़ सके, इसलिए इसे एक सहायक रॉड से जोड़ा गया था। जिस समय आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने अमेरिकन फ्लैग को लगाया तो वो उनकी सफलता का प्रतीक था। उस समय हालांकि एस्ट्रोनॉट्स वो सब कुछ बता रहे थे जो वो कर रहे थे या जो करने जा रहे थे, वहां पूरा सन्नाटा था, करीब 10 मिनट तक, जो कि बहुत लंबा समय है। ये पल साइलेंस का था या डाउट का, ये कोई नहीं कह सकता। सिर्फ एक चीज जो सभी की आंखों के सामने थी वो थी बज ऑल्ड्रिन और उनके सामने लहराता अमरीकी झंडा।
मिशन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के साथ एक टेलीफोन कॉल किया गया। हेलो नील एंड बज, मैं व्हाइट हाउस में ओवल रूम से टेलीफोन द्वारा बात कर रहा हूँ और निश्चित रूप से ये व्हाइट हाउस का अब तक का सबसे ऐतिहासिक टेलीफोन कॉल है। कैमरे के सामने दोनों एस्ट्रोनॉट ने अपने राष्ट्रपति के शब्दों को सुना, जो इस अवसर की गंभीरता से भरे हुए थे। सिर्फ आर्मस्ट्रांग ने ही जवाब दिया, शुक्रिया मिस्टर प्रेसिडेंट, ये हमारे लिए एक बड़े सम्मान और सौभाग्य की बात है। उस पल से डरे हुए बज ऑल्ड्रिन ने एक शब्द तक नहीं कहा। थोड़े समय बाद नील आर्मस्ट्रांग ने अपोलो कार्यक्रम की सबसे आइकॉनिक तस्वीर ली। उनका प्रतिबिंब बज ऑल्ड्रिन के हेलमेट में दिखाई दे रहा था। चांद पर आर्मस्ट्रांग की कोई और साफ तस्वीर नहीं है। इस फोटोग्राफ से बहुत सी बातें जुड़ी हुई हैं। ये अपोलो प्रोग्राम की पहली तस्वीर थी जिसे मैंने अपने बेडरूम में टांग रखा था जब मैं एक बच्चा था। दोनों एस्ट्रोनॉट्स 2 घंटे से लूनर मॉड्यूल के बाहर थे और उनके अंदर जाने का समय हो रहा था। जब विज्ञान के लोगों को पहली बार पता चला कि हम केवल 2 घंटे की ईवीए करने जा रहे हैं, तो वो इससे बहुत परेशान हुए। वो बहुत कुछ करना चाहते थे। आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन चांद पर बहुत ज्यादा घूमे नहीं, बस वो थोड़ा सा चले थे। केवल आर्मस्ट्रांग अपने आउटिंग के अंत में थोड़ा आगे तक गए थे, उन्हें गायब होते हुए देखा गया था। उन्होंने दूर से लैंडिंग साइट की एक तस्वीर ली और उनके वापस आने के बाद तस्वीर देखने से पहले किसी को भी ये पता नहीं था कि वो इतनी दूर तक गए थे। नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन अपने साथ चांद के कुछ नमूने भी ले गए। इस पहले मिशन पर करीब 23 किलोग्राम और अपोलो कार्यक्रम के अंत तक करीब 400 किलोग्राम। जब नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन पत्थरों के कंटेनर वापस लाए जो उन्होंने इकट्ठा किए थे, उन्हें पृथ्वी की सैकड़ों प्रयोगशालाओं में भेजा गया, यूरोप, एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसलिए हम उन पत्थरों को डेट करने और ये देखने में सक्षम थे कि वो 3 अरब साल से भी ज्यादा पुराने थे। जाने से पहले बज ऑल्ड्रिन ने एक आखिरी तस्वीर ली, धूल पर बने उनके पैरों के निशान की, वो जिसे सभी मैगजीन ने चांद पर पहले कदम के रूप में करार दिया। असल में आर्मस्ट्रांग का असली पहला कदम दोनों एस्ट्रोनॉट्स के आने जाने की वजह से मिट गया था। बजाय उसके ये तस्वीर एस्ट्रोनॉट्स के अंतिम कदमों में से एक को दिखाती है। एक एक करके एस्ट्रोनॉट्स ने सीढ़ी को पकड़ लिया जिसने उन्हें लैम के अपर स्टेज से अलग रखा था। हालांकि मिशन को शुरू से अंत तक फिल्माया गया था, पर फिर भी कुछ पल अभी भी हाल तक ये सवाल उठाते आए हैं, जैसे कि क्या नील आर्मस्ट्रांग ने अपनी मर चुकी बेटी के लिए चांद पर कुछ छोड़ा था क्या? जो चांद पे होता है वो अक्सर चांद पे ही रहता है, और आज तक हम ये जान नहीं पाए कि एस्ट्रोनॉट्स ने क्या किया था, उन्होंने क्या छोड़ा और वो अपने साथ क्या लाए। माइकल कॉलिंस, जो कमांड मॉड्यूल में 24 घंटे से अधिक समय तक अकेले परिक्रमा कर रहे थे, अपने क्रू साथियों का स्वागत करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने कभी भी चांद को करीब से नहीं देखा, लेकिन उनकी भूमिका जरूर थी। माइक कॉलिंस की भयानक जिम्मेदारी थी कि वो या तो अपने क्रू के लोगों को बचाएं या उनके बिना वापस आ सकें। उन्हें ऐसा करने के लिए ट्रेन किया गया था। कॉलिंस का एकमात्र डर था कि लैम का असेंट इंजन काम नहीं करेगा, क्योंकि रियल लाइफ कंडीशन में उसको टेस्ट नहीं किया गया था। एसेंट स्टेज, जो कि लूनर मॉड्यूल के डिब्बे के जैसे निचले हिस्से के ऊपर होता है, उसका अपना इंजन होता है, लेकिन देखा जाए तो ये एक सॉलिड फ्यूल वाला इंजन है। जब आप उसे जलाते हैं तो वो तुरंत उड़ जाता है, पर आप इसे थ्रॉटल नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, वो वापस ऑर्बिट में ले जाएगा। वो पल तनाव से भरा हुआ था। बज ने अपने भारी सूट से गलती से कैबिन को फिर से खोलते समय एक इग्निशन बटन को तोड़ दिया, जिसे स्टार्ट करना नामुमकिन था। एक मिशन की वापसी जो पहले से ही खतरनाक लग रही थी,
उसमें घटनाओं का एक नया मोड़। इतना ज्यादा कि राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने फेलियर के मामले में एक फेयरवेल स्पीच तैयार करवाई। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के लिए एक भाषण तैयार हुआ जिसमें एस्ट्रोनॉट्स की उपलब्धियों का जश्न मनाया गया और राष्ट्र को उनके बलिदान को याद करने के लिए कहा। भाग्य का यही विधान है कि शांति से छानबीन करने के लिए चांद पर जाने वाले दो लोग चांद पर शांति से आराम करते रहेंगे। अगर बज ऑल्ड्रिन को टूटे बटन पर एक सिंपल पेन से दबाने का ख्याल नहीं आया होता तो निक्सन को अपनी पहले से तैयार मॉर्नफुल स्पीच देनी पड़ सकती थी और ईगल भी कभी चांद से उड़ान नहीं भर पाता। लेकिन इतिहास अलग तरह से लिखा गया था। इग्निशन के तुरंत बाद एस्ट्रोनॉट्स ने इंजन के विस्फोट को महसूस किया जो लैम के पहले स्टेज को अलग कर देगा। जहाज के पास मौजूद अमेरिकन फ्लैग हवा के जोर से हिलने लगा था। कॉलिंस ने अपने साथियों को रिसीव करने के लिए अपनी ट्रैजेक्टरी को ठीक किया, लेकिन वो अभी तक खतरे से बाहर नहीं थे। उन्हें अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करना था। एटमॉस्फेयर बराबर की ताकत से पीछे धकेलता है। आप करीब 60,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहे हैं और ये आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। यहीं पर जी फोर्स की बात आती है। उन्हें अपने पैर से नियंत्रित करना था। ये एक रोलर कोस्टर राइड की तरह बन जाएगा। वो अंदर आएंगे, उससे गुजरेंगे, धीमे होने की कोशिश करेंगे। चौबीस जुलाई 1969 को लिफ्ट ऑफ के लगभग 200 घंटे बाद अपोलो 11 कैप्सूल प्रशांत महासागर में गिरा। अंतरिक्ष यान को कीटाणु नाशक से साफ किया गया। वापस आते ही अंतरिक्ष यात्रियों को क्वारंटीन में रखा गया और नमूनों को एनालाइज किया गया और ये जल्द ही पता चल गया था कि चांद से वापस लाई गई चीजों से कंटेमिनेशन की कोई गुंजाइश नहीं थी। क्रू एक वर्ल्ड टूर पे गया। अपोलो अमेरिकी महाशक्ति का प्रतीक बन गया। हालांकि इस जीत के साथ कहानी खत्म हो सकती थी। अपोलो 11 के खत्म होते ही हमने अपोलो 12 की तैयारी शुरू कर दी, इसलिए हमारे पास बहुत समय नहीं था पास्ट पर ध्यान देने के लिए और फ्यूचर के लिए भी तैयार होना था। अपनी कमाल की सफलता को दोहराने के लिए नासा ने 1969 के नवंबर में अपोलो 12 लॉन्च किया। मिशन एक सफलता थी जो दो एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटीज से इंस्पायर्ड थी और उसमें 31 से ज्यादा घंटे चांद की सतह पर बिताए गए थे। और फिर भी जनता और नहीं देख रही थी। केनेडी की चुनौती पूरी हो चुकी थी। ये उपलब्धि बहुत बड़ी थी, लेकिन एजेंसी ने फिर भी अपोलो 13 को जारी रखने का फैसला किया। एक मिशन ज्यादा हो गया। देश ने इंटरेस्ट को खो दिया था। जब ये एक जीवन और मृत्यु का मिशन बन गया तो उस समय लोगों ने तब जाकर इस पर ध्यान देना शुरू किया। अप्रैल 1970 को जेम्स लवेल, जैक स्वाइगर्ट और फ्रेड हेस जनरल इंडिफरेंस के बावजूद अपोलो 13 मिशन पर सवार हुए। उड़ान में 55 घंटे के बाद स्वाइगर्ट ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टैंक की एक नियमित जांच की। कुछ ही मिनटों के बाद एस्ट्रोनॉट्स को एक झटका लगा और पूरा जहाज थरथराने लगा। दोनों व्हीकल्स मेटल के थे, इसलिए मुझे लगता है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्या आप एक बड़े से टिन कैन में थे और किसी ने उस पर हथौड़े से दे मारा। ये उस तरह की आवाज की रिबव जैसी थी। वो अभी तक ये नहीं जानते थे, लेकिन नंबर दो ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट हो गया था। उस समय उन्हें लगा कि कोई उल्का पिंड उनसे टकराया है। जिम लवेल ने पहले ही सुरंग के माध्यम से मदरशिप तक वापस आने का अपना रास्ता शुरू कर दिया था और फोन लगाया ह्यूस्टन को और कहा कि हमें एक प्रॉब्लम है। पहले हमने कहा ठीक है, जो कुछ भी है हम इसे ठीक कर लेंगे और वहां से चलेंगे, लेकिन ये जल्द ही हमें समझ में आ गया, मतलब कुछ ही मिनटों में, ये एक ठीक होने वाली समस्या नहीं थी।
अलार्म और इमरजेंसी लाइट बजने लगी। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वोल्टेज कम हो रहा था। महज चंद मिनटों में जो एक छोटी सी समस्या के रूप में शुरू हुआ था, अब एक डेंजरस सिचुएशन बन गई थी। एनर्जी और ऑक्सीजन के बिना एस्ट्रोनॉट्स के पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। विकल्प भयानक थे, अंतरिक्ष में फंस जाना, कभी वापस ना आना और धीरे धीरे ऑक्सीजन का खत्म होना, चांद की सतह पर टकरा जाना या शायद पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत तेजी से आना जिससे उनके अंतरिक्ष यान में आग लग जाए, जिससे एस्ट्रोनॉट्स हवा में तैरने वाले पिंड बन जाएंगे। मेरे दिमाग में कई तरह की बातें आ रही थी क्योंकि मुझे पता था कि हम लैंडिंग खो चुके हैं। पृथ्वी पर क्रू से कुछ 3,20,000 किलोमीटर की दूरी पर हलचल मच गई। ह्यूस्टन पहले ही अपोलो 13 मिशन को रद्द कर चुका था और अब अपने तीन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। फ्लाइट डायरेक्टर जीन क्रेन्स ने सबको देखा। उन्होंने कहा, हम इन लोगों को वापस लाएंगे, असफलता कोई विकल्प नहीं है। क्रेन्स ने सभी को दरअसल चुप होने के लिए कहा था, लेकिन वहां सबको मालूम था कि उन्हें चुप रहना है। सिर्फ इतनी बात कही जा सकती थी, या तो कुछ गलत हो रहा है, या फिर फ्यूल की कमी हो गई है, या फिर क्रू ने कॉल किया है। जीन क्रेन्स ने तब एक ना आजमाई हुई पद्धति का उपयोग करने का फैसला किया। रिजर्व्स को खत्म होने से बचाने और समय को बचाने के लिए उन्होंने क्रू को सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बंद करने को कहा। यह भारी परिणामों वाला निर्णय था। ये आपके घर में बिजली की तरह है, अगर आप बिजली बचाना चाहते हैं तो आप एक छोड़कर बाकी सब बंद कर देते हैं, और बेसिकली यही हमने किया भी था। लूनर मॉड्यूल का तापमान -1.1 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। हमारे पास उस हालात के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं थे। हमने अपने सभी एक्स्ट्रा अंडरवियर पहन लिए। मैंने 3 सेट पहन रखे थे और हम इससे ज्यादा कुछ और कर भी नहीं सकते थे। जैसे जैसे कमांड मॉड्यूल से ऑक्सीजन खत्म होती जा रही थी, ह्यूस्टन ने एक फैसला लिया जो निश्चित रूप से जिंदा रहने का एकमात्र विकल्प था। क्रू ने कमांड मॉड्यूल को छोड़ दिया और लूनर मॉड्यूल अक्वेरियस में प्रवेश कर दिया, जिससे नुकसान नहीं हुआ था। इसे सिर्फ 2 आदमियों के लिए डिजाइन किया गया था। लूनर मॉड्यूल को 3 को बचाना था। जनता, जिसे अपोलो में कोई दिलचस्पी नहीं थी, अचानक इस भयानक स्थिति को लेकर चिंतित थी। अचानक सबको इन आदमियों की परवाह होने लगी, इनके बच्चों की, इनकी पत्नियों की परवाह होने लगी, और हमने उनसे ऐसे प्यार किया जैसे हम एक पब्लिक फिगर से प्यार करते हैं, और हम चाहते थे कि वो घर आए। लेकिन एक्वेरियस के अंदर क्रू दम घुटने की कगार पर था। लूनर मॉड्यूल, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को अपना समय बिताना था, वो 3 लोगों को रखने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, और एस्ट्रोनॉट्स की छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड से वातावरण जहरीला बन रहा था। लोग पूछते, क्या आप इस हालात में जहर की गोली वगैरह लेते? नहीं, इसके लिए ऐसा कोई प्लान नहीं था। ये बहुत आसान है, हम सिर्फ हैच खोलते, आप स्पेस में हैं और आप एक पल में चले जाएंगे, आपको जहर की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ही मिनटों में ह्यूस्टन को एक शानदार विचार आया। कमांड मॉड्यूल के बेहतर फिल्टर को अक्वेरियस की हवा को फिल्टर करने के लिए अडेप्ट करने का। हमें कुछ स्क्वायर फिल्टर्स को पैकेज करना सीखना पड़ा जो हमारे पास बेकार कमांड मॉड्यूल में पड़े थे। बस उन्हें किसी तरह लूनर मॉड्यूल में फिट करना था। इस टेक्निक ने पूरी तरह से काम किया, जिससे क्रू को कुछ और घंटे बच सकने और अंत तक लड़ते रहने का समय मिल गया। मैनुअल कंट्रोल में स्वाइगर्ट और हेस ने पृथ्वी पर लौटने के लिए दोनों जहाजों की ट्रेजेक्ट्री को बदला, लेकिन उस पार्शली फंक्शन कमांड मॉड्यूल के साथ मैन्यूवर करना खतरनाक काम था। लेवल ने इंजन के इग्निशन का समय देखने के लिए अपनी घड़ी तक का उपयोग किया। हम तारों को शूट नहीं कर सकते थे क्योंकि विस्फोट से स्पेसक्राफ्ट के आसपास के मलबे के कारण अगर आप खिड़कियों से देखते तो आप समझ नहीं पाते क्या मलबा है और क्या सितारे। पांच मिनट से ज्यादा के लिए रेडियो कनेक्टिविटी बंद हो गई। ह्यूस्टन के लिए यह जानना इम्पॉसिबल था कि क्रू ने सही ट्रेजेक्ट्री अपनाई थी या नहीं। टेंशन बढ़ती जा रही थी। ये खराब था, बहुत खराब था।
और इसलिए जब वो 5 मिनट के बाद वापस ऑनलाइन आए और कहा अपोलो 13 है यहाँ, हम आपको सुन सकते हैं, मतलब आखिर हुआ क्या था? ये एक चमत्कार जैसा था। 17 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 पैसिफिक में आराम से उतर गया। इस अविश्वसनीय एडवेंचर को पूरी दुनिया ने देखा। अपोलो 13 को अमेजिंग बनाया इस बात ने कि ये एक महान इंसानी कहानी थी। अगर ये असल में ना हुआ होता तो कोई इसे कहानी के रूप में जरूर लिखना चाहता। सिंप्लिसिटी और सर्वाइवल की एक महान इंसानी कहानी। अपोलो की कहानी में अंतिम अध्याय बहुत कम खुशनुमा है। नासा ने कार्यक्रम को अपोलो 20 तक ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन अपोलो 13 की दुर्घटना और वियतनाम युद्ध ने राजनीतिक प्राथमिकताओं को बदल दिया। 20 सितंबर 1970 को नासा ने कार्यक्रम के निश्चित रूप से बंद होने की घोषणा कर दी। हालांकि 3 सैटर्न 5 रॉकेट्स का निर्माण हो चुका था। अपोलो 17 अंतिम मिशन था। कैनेडी ने अपने भाषण के साथ पूरे राष्ट्र को जोश से भर दिया और चांद पर कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स को ले जाया गया। लेकिन निक्सन इस सपने को चकनाचूर करने वाले व्यक्ति थे। राष्ट्रपति ने कहा कि इस सदी में ये आखिरी बार होगा, और हमने सोचा ओ गॉड, हमने इतनी मेहनत की है, हम चांद पर आ गए हैं, हमने यहाँ इतना कुछ किया है, अब वापस नहीं जा सकते, अब इतना आगे आकर वापस जाना ठीक नहीं। निक्सन ने खुले तौर पर यह बता दिया था कि 20वीं शताब्दी के अंत से पहले हम चांद पर नहीं लौटेंगे। वो सही थे, 21वीं सदी की शुरुआत तक कोई भी चांद पर वापस नहीं गया था। अपोलो के दशक के दौरान जैसी ऊर्जा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने कभी भी अनुभव नहीं की है। कार्यक्रम के वैज्ञानिक और राजनीतिक परिणाम महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन ऐसी उपलब्धि के बाद भी फ्यूचर में क्या हो सकता है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये जानने को बेचैन हैं कि क्या नया है, हम आगे क्या करने वाले हैं। पिछली आधी शताब्दी में चांद का कोई दौरा नहीं किया गया, फंडिंग काफी हद तक कम हो गई है, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी मानवता की खोज में पृथ्वी से लाखों मील दूर अगले चरण का सपना देख रहे हैं। उस समय के 6000 करोड़ की तुलना में नासा का आज का बजट है $2000 करोड़, और हम मंगल पर जाना चाहते हैं। हम हमेशा अपनी सोच से बेहतर कर सकते हैं। अपोलो को देख लीजिए, मेरा मतलब है ऐसा करना लगभग मुमकिन नहीं था दिए गए टाइम के हिसाब से, पर फिर भी वो हुआ, ये सोचने का अच्छा तरीका है।